num 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 num. जी व्यूअर्स, अभी हम मम्मी के घर आए हैं. रात का तकरीबन 1:15 हो रहा है और ये महक हमें ज़बरदस्ती लेकर आई है कि चलो आनी चाय पिए, चलो आनी चाय पिए, क्योंकि ये 10 दिन के लिए जा रही है वापस लाहौर और कल की इसकी फ़्लाइट है. तो अभी हम जो है वो चाय पियेंगे. कहने लगी आनी चल के चाय पी लो, हम चाय पी रहे हैं अभी और मम्मी के घर हम वापस आ गए हैं. और चाय आ गई महक, ये चाय आ गई है हमारी है और ये मामा की है. मामा मामा कहाँ है? इरा आओ चाय पीते हैं. अरीबा, मैं सुबह इतने दिन बाहर नीचे से बोल ना कर लूं. इरा 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 आनी है. देखो क्या ये पहन जो कि मैंने ईद के लिए मंगाया था, एमन मिनाल की ओर से. अच्छा, एमन मिनाल का है. हाँ, ये सिल्क है, बहुत बारीक सिल्क है. ये इसकी शलवार है इसके से. और ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, प्रिंटेड दुपट्टा है ना, यानी पूरा सूट ही वो है. अच्छा है, 8000 का है. कैसे? बिल्कुल अच्छा लग रहा है. हाँ पहन जाओ, कल यही पहन जाओ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. आज ईद का सेकंड डे है और आप सबको सेकंड डे की ईद मुबारक. और आज जो हम ड्रेसिंग करने वाले हैं ये मेरी बीच वाली बेटी अरीबा का है. ये ड्रेस पूरा ये आज ईद के सेकंड डे पे ये पहनेगी और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये. ये फ्रॉक बना हुआ है नाकूश का और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये. और इसमें लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत फैला हुआ है तकरीबन. अभी भी मैंने हल्का सा किया हुआ है लेकिन ये काफ़ी इसके अंदर जो है ना, नीचे से नेट लगा हुआ है और इसके ऊपर जो है ये गोटे का काम किया हुआ है और बारीक सी वाइट कलर की बेल लगी हुई है. और इसके ये स्मॉल साइज़ है और इसकी प्राइस थी 5450. ये नाकूश वालों का है और बहुत ही खूबसूरत लगा था ये हमें ड्रेस. ये अरीबा का ड्रेस है और ये ब्लैक जो था ये हिबा का ड्रेस है. ये भी फ्रॉक बनी हुई है, ये शॉर्ट में है. ये लंबी फ्रॉक है और ये शॉर्ट में फ्रॉक है ये वाली ब्लैक में. और इस पर बहुत अच्छी सी कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत सी. और इसके ये बाजू हैं जो कि इसके ऊपर भी इन्होंने चुन्नट सी लगाई हुई है और इसके ऊपर बहुत बारीक सा वर्क किया हुआ है, कढ़ाई की भी है और बीट्स वगैरह लगाई हुई हैं. ये इसका गला है और ये भी चुन्नट वाला फ्रॉक है यहाँ से ऊपर से. और ये चनाए का है और 4500 इसकी प्राइस है. बहुत अच्छा लगा था पहना हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा था तो हमने ये परचेज़ कर लिया था ईद के सेकंड डे के लिए. बस अभी हमारे सुबह का टाइम है 8:30 का और ये अम्मी के गार्डन में जो है वो बकरे लेके गए हैं, क्योंकि बकरे जो है वो अम्मी के गार्डन में कटते हैं साइड पे. अब दोनों सारे बकरे जा रहे हैं. दो बकरे उधर लेके गए हैं, एक बकरा नीचे गेट पे बंधा हुआ है.
जी व्यूअर्स, रात को हमने डिनर वगैरह नीचे कर लिया था क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गए थे, इस वजह से मैं रात को जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। फिर मैंने कहा सुबह को जो है वो बकरा जो है वो कट जाए तो उसकी भी वीडियो मैं साथ ही अपलोड कर दूँगी। मोहल्ले में कसाई आ रहे हैं, दो बकरे तो कट चुके हैं, अभी इनको जो है वो साइड पे करेंगे, फिर तीसरा बकरा भी आएगा। अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि अभी वहाँ पे बकरे कट किए और बनेंगे। बस ये मेरा ड्रेस है जो कि मैं पहले दिखा चुकी हूँ लेकिन मैं पहन नहीं पाई थी, तो आज ईद के सेकंड डे पे जो है वो ये मैं ये पहनूंगी। ये वाला ड्रेस ब्लू कलर का है, ये बस हमारे बकरे वगैरह जो हैं वो कट चुके हैं और गोश्त भी मैंने बांट दिया है और उसके बाद अपने अपना लंच वगैरह फिनिश कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं गांव और गांव में ससुर की कब्र पे जाएंगे, वहाँ पे फातह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वापस घर की तरफ आएंगे। जी व्यूअर्स, अभी हम पहुँच गए हैं गांव में और ये कब्रिस्तान है छोटा सा और यहाँ पे अभी हम फातह खानी और फूल वगैरह और अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे, जलाई है हमने, और अभी दुआ करके हम लोग अभी वापस जा रहे हैं गांव की तरफ जाएंगे हम लोग अभी। जी बस ये गांव है और छोटा सा और यहाँ पे जो ये हमारा प्लॉट है एक और वहाँ पे जो है अभी खाली है ये प्लॉट और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जंगल मतलब झाड़ियाँ वगैरह हैं और यहाँ बहुत से क्यूट से परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे हैं और अभी मैंने देखा कि वो उस नहीं नहीं मरा नहीं है, जिंदा है। अभी हम जो है वो गांव से अब घर की तरफ जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जो नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।